हाँ भाई, तो कराची का मशहूर वन कबाब खाना है, तो आइए मेरे साथ। भाई ये बाबू वन कबाब नाम से मशहूर है और माशाल्लाह 50 साल से मतलब ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ, और हम लोग भी पैदा यहाँ हुए तो इन्हीं से ही खाते थे। और लाजवाब है इनका वन कबाब, आप मतलब खाएंगे तो खाते चले जाएंगे। माशाल्लाह ऐसा वन कबाब है, कभी दिल भरा आपका? नहीं नहीं, अभी भी लेकर जा रहे हैं यार। और माशाल्लाह सस्ता वन कबाब है, दो वन कबाब खाओ पेट भर जाता है यार 100 रुपए में। सबसे मशहूर हमारे दाल अंडे के वन कबाब है, इसके अलावा भी हमारे पास दो तीन वैरायटियाँ होती हैं। कैसे के? चिकन के वन कबाब, शामी के वन कबाब, आलू के वन कबाब। अच्छा, हाँ बर्गर होते हैं हमारे पास। आप लोग कब से काम कर रहे हैं? ये मेरे बाप दादा अबू ने स्टार्ट किया था 1961 से। 1961 से? हाँ, उसके बाद मेरे चाचा वगैरह, फिर मेरे वालिद साहब, फिर मेरे भाई वगैरह सब इसी में। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? मुझे यहाँ पे कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल आपको हो गए? हाँ। अच्छा, तो हमें क्या खिलाने वाले हैं, कोई खास चीज़? यार आपको अभी खिला दें अपने अपने स्पेशल वन कबाब, ये दाल अंडे वाले जो होते हैं हमारे वन कबाब, ये खिलाऊँगा बस। ठीक है, आप बना दें, बस दो बनाइएगा, एक मेरे साथ मेरे पार्टनर भी हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि इसकी ख़ास बात क्या है, मतलब जो चीज़ इंग्रेडिएंट्स आप लोग यूज़ करते हैं वो क्या क्या है उसमें? यार ये इंडियन रेसिपी है चटनी की। इंडियन रेसिपी है? हाँ। अच्छा, ये जो चटनी आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी हमारे अलावा। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये वाली चटनी है? बिल्कुल, ये चटनी है, ये हरी चटनी होती है। अच्छा, ये हरी चटनी है, इसको दुबला कर देती है और उसके साथ ही हमारे हाथ का बना हुआ केचप होता है। ये आपका खुद बना हुआ केचप है? मीठा केचप होता है। ये प्याज भी आपने कर दिया? चले भाई, हमारी प्लेट तैयार हो गई है। भाई ये हमारा बन कबाब आ गया, हम इसको टेस्ट करते हैं कि इसका जायका कैसा है। माशाल्लाह बहुत दिन का नाम है और एक अरसे से ये काम कर रहे थे, तो चले इसको टेस्ट करते हैं। चले अब हम इसको टेस्ट करते हैं। भाई ने जो है ना हमें बन कबाब दे दिया है, और मैंने कबाब लिए थोड़ा सा, उसके अलावा मैंने थोड़ी सी चटनी ली है, तो ये आप देखें ज़रा। तो ये मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि इसका जायका कैसा है। प्याज भी थोड़ा सा लेते हैं साथ में। वाकई सही कहते हैं कि बंस रोड का बन कबाब कराची का, बल्कि यार मैं कहता हूँ कि मशहूर है, बिल्कुल मशहूर कबाब है, और इसका टेस्ट तो आला ही है। भाई ने कहा कि जो चटनी, जो रेसिपी है इनकी अपनी है, और ये इंडियन रेसिपी है, यहाँ की नहीं है, बहुत पुरानी है। जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद इन्होंने काम शुरू किया था, तो बहुत आला है यार, एंड लेवल। ये मैंने एक दूसरा नवाला लिया है इसके साथ, कबाब चटनी वगैरह। ये देखें भाई, ओए होए होए होए, भाई मज़ा आ गया यार, बिल्कुल मज़ा आ गया। क्या आपने कबाब खाया और कबाब के बराबर में आपने गुलाब जामुन नहीं खाया, तो फिर आप बंस रोड आए क्यों? भाई यहाँ पे मिलती है लाल जलेबी और कारना कराची की मशहूर गर्मा गर्म गुलाब जामुन। भाई आप बंस रोड आए और आपने गुलाब जामुन नहीं खाया, तो आप बंस रोड आए क्यों? इसके साथ भाई ने रखी है ये जलेबी, और ये क्या है? मीठी मीठी टिकियाँ। ओके, तो ये जलेबियाँ इसकी अलग एक किस्म है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना ये कुछ जो है ना आइटम रखे हुए हैं। तो सर ये फिर हमें आप खिला रहे हैं, ये छोटे वाले क्या हिसाब हैं, बड़े वाले क्या हिसाब हैं? ये 100 के 8 हैं, ये 100 के 4 हैं। 100 के 8 हैं और ये 100 के 4 हैं। यार कोई भी दे दें हमें, एक काम करिए, तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, आप छोटे वाले दे दें। यार भाई हमने बस थोड़े से मंगवा लिए हैं, ये तकरीबन 5-6 हैं। इसको अब टेस्ट करते हैं कि इसका जायका कैसा है, क्योंकि मीठा जो है ना हमारे लिए थोड़ा सा मुज़र है, हमारा वेट ज़्यादा है, तो मसला ये है। इसको खा के देखते हैं भाई, हम इसको टेस्ट करते हैं इसका जायका कैसा है। फुल गर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार मेरा वेट ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता, पसंद है लेकिन ज़्यादा नहीं खाता। 6 दाने मंगाए लेकिन मेरे साथ करामत भाई भी हैं। भाई ये देखें ज़रा, ओए होए होए, बहुत गर्म है और वाकई बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का। ये देखिए मैं
मैंने ये इसकी वो निकल रही है। यार मतलब आपने ज़रूर टेस्ट करना है यार, बेहतरीन है। मैं असन भाई की बात काट रहा हूँ, असन भाई ने 6 वो मंगाने, हम दोनों ने इसी में रिव्यू लेनी है, और असन भाई एक एक करके सारे खा गया। यार बेहतरीन बने तो खाएंगे ना यार। यार मुझे लग रहा है कि वाकई इसका जायका बहुत अच्छा है, क्योंकि असन भाई कहा जा रहा है ये मैं बाद नहीं काटता ना। मैंने इनके लिए बचा के रखा है, वाकई इसका जायका अच्छा है, मैंने इनके लिए बचा के रखा है यार। तो अब करामत भाई की बारी है कि अपना रिव्यू देंगे, उनको कैसा लगा। करामत भाई टेस्ट कीजिएगा ज़रा। तेरी खैर, बहुत आला, अल्लाह की कसम बहुत आला, बस बहुत आला। करामत भाई का साय ने बहुत आला, बहुत आला। नहीं नहीं आप खाओ, मैं लग रहा है कि मैं असन भाई को एक और खिला दे। यार क्या बहुत आला यार, कसम से। बस गुलाब जामुन मैंने बहुत खाया है, हर जगह मैं कहीं भी जाता हूँ मैं अक्सर काले गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन का रंग वैसे भी काला होता है, लेकिन यार जायका जो है आउट क्लास है, आउट क्लास कसम से।